सर मैं बाइक लेके आता हूँ, लड़की के लेके आता, गेस व्हाट, बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। देखा तो उसका बैटरी लो हो गया क्योंकि सर्विसिंग नहीं किया था। तो फिर बाद में एक लड़का मिला, बोलता भाई रुक मैं ठीक करके देता हूँ। तो बाइक देख रहे उसका ये है क्या चौक चौक भी नहीं है कि तो मिल ही नहीं है। बोलता भाई काम करो यूट्यूब में सर्च करो, बोले यार ये क्या चल रहा है नया बाइक है। तो बाइक चला गया। उसका प्रॉपर नॉलेज से काम हो जाएगा क्या? नहीं, बाइक का नॉलेज है, एक्सीलेटर पता है, इनो क्लच पता है, ब्रेक पता है, ओके सब पता है, बट पता रहने से हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? अभी बेसिक क्या है बाइक में? बेसिक क्या है? अभी हाईवे में जा रहा हूँ, मैं राइट साइड से जा सकता हूँ क्या? नहीं, क्या हो जाएगा? फ्लाई हो जाएगा सर। तो उसके लिए क्या चाहिए? लेफ्ट साइड से जाना पड़ेगा। नहीं सर। और रेड सिग्नल गिरा तो मुझे जाना चाहिए ना? नहीं सर। रुकना चाहिए? क्यों? ग्रीन सिग्नल आएगा तो जाना चाहिए, थोड़े बहुत बेसिक्स तो पता होना चाहिए। इससे भी काम चलेगा क्या? नहीं। इसके बाद क्या होना चाहिए? अभी नया बाइक लिया उसको पहला तो थोड़ा नॉलेज आ गया, दूसरी चीज बेसिक्स भी पता है, बट इसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, राइट? अभी प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो गिर जाएंगे सर। अभी पापा रहे, मैंने नया नया गाड़ी शुभम को गिफ्ट किया, शुभम को बोला भाई नेशनल हाईवे से तो सीधा किधर आना, गुजरात आ जाना, पार्टी करेंगे अपन होली में। शुभम आ पाएगा बेचारा? आजकल वो आ सकते हैं, गुजरात में बिजनेस खोला है। एक्साइटेड? यस सर। ओके अभी प्रैक्टिस हो गया, प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आना गाइस। यस सर। बाइक दिया, बाइक के नॉलेज लेना चाहिए, उसके बाद बेसिक्स, उसके बाद प्रैक्टिस होने के बाद क्या होगा? उसके बाद थोड़ा सा यू नो अच्छे से उसमें एक्सप्रेस होगा, वी कैन से यू नो ही इज अ गुड राइडर। यस सर। तो नहीं, पीछे बैठने वाला भी चाहिए। उधर ही पता चला रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। आज वैलेंटाइन डे, तब जाके शुभम क्या कर सकते लॉन्ग रूम में, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? एंड ये मिलने के बाद क्या कर सकता शुभम? अभी स्टंट करने के पता है ना, कोई लड़की को कट भी मार सकते हैं, ये सब चीजें तो फॉलो करना पड़ेगा। आज ही मैंने नया बाइक दिया, बाइक कल ही जाके स्टंट किया, क्या हो जाएगा? कभी जिंदगी में स्टंट के करने के लायक नहीं बोलो। सो अभी ये एग्जांपल से इसका आंसर मिला, उसके पास पोटेंशियल है, उसके पास पोटेंशियल है, बट फिर भी वो फेल होता है बंदा, उसका आंसर क्या है? मैंने आपको एग्जांपल में बताया, एक स्टंट कर रहा है, बाइक मिलते ही तुरंत दूसरे दिन गर्लफ्रेंड को बिठा के 360 मार रहा भाई, क्या मार रहा है? क्या हो जाएगा? 460 ऐसा ना, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? 65 हो जाएगा।
उसके बाद क्या वो फेल सेम थिंग हमारे बिजनेस को भी कनेक्ट कैसे कर सकते हैं. मैंने देखा कुछ कुछ लोग है एक्सपीरियंस लोग हमारे बिजनेस में जो अदर कंपनी में सेल्स का काम करते ऑलरेडी दे हैव पोटेंशियल. उन लोगों को पिछले 5 साल से 10 साल से 15 साल से मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है. वो बोलते हैं प्राउडली भाई आई हैव 25 इयर्स एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग. पता है तो हमता यार तो आप इधर किधर रहता तो बाप रे सीए का भी बाप बन जाता राइट सीईओ का भी बन जाता. बट इतना होने के बाद में हमारे बिजनेस में आके बस एक दिन अकेला रह जा तो वो क्या होता है दरवाजा बंद हो जाता है. ठीक है दरवाजा क्यों होता है क्योंकि वो पहले दिन में क्या होता है सर आई हैव 25 इयर्स एक्सपीरियंस. मैं पहले दिन से मेरे को अकेला बेच 10 कार्ड बेच के दिखाऊंगा सर. सैलरी मेरे को 50,000 चाहिए सर. आप कितना बेच सर 200 कार्ड बेच के दिखाऊंगा बोलता है वो. बट जाने पर एक ही दिन में टाइटल भी सुन लेते हैं. पहले दिन में क्या होता है स्टंट मार रहा है. बाजू वाले को देखा सर नहीं भी मारे बट बाजू वाला स्टंट मार रहा है बट उसके पास ये सब चीजें था इसके लिए वो स्टंट कर पा रहा है. बट तेरे पास कुछ भी नहीं डायरेक्टली स्टंट करते क्या हो जाएगा एक्सीडेंट हो जाएगा एंड उसके बाद वो कभी बाइक को टच भी नहीं करेगा राइट. सो अगर हमारे बिजनेस की बात की बाइक में क्या हमारे बिजनेस में सबसे पहले बिजनेस है बाइक क्या है बिजनेस है. एक्साइटेड यस सर. सबसे पहले इधर आने के बाद आपको बिजनेस दिया जाता है यस सर. बिजनेस देने के बाद आपको क्या चाहिए नॉलेज चाहिए राइट. नॉलेज क्या हमारा 5 स्टेप 4 फैक्टर 8 स्टेप है ऐसा नो यस सर. सेलिंग के लिए अगर मैं लीडर बन गया उसके लिए क्या चाहिए रिक्रूटमेंट टीचिंग एंड डेवलपमेंट का नॉलेज चाहिए राइट. यस सर. फर्स्ट सेकंड बेसिक्स क्या होना चाहिए लीडर बन गया मैनेजर बन गया तो उसको क्या करना है ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा तब जाके उसका भी प्रैक्टिस. एंड उसके बाद एक्सपीरियंस क्या अपने बिजनेस में इतना दिन हो गया फिर क्या हो जाएगा प्रमोशन. ना ना ये बिकम अ क्या हो जाएगा स्केलेबल हो जाएगा. एंड स्केलेबल होने के बाद क्या हो जाएगा उसके साथ स्टैंड करेगा नेक्स्ट लेवल करेगा जनरल शो क्या होगा जनरल शो ना रे बेल मारेगा अरे बेस का बेल मारेगा क्या करेगा कोच बनेगा प्रोफेशनल बन जाएगा कोच बनेगा वो कोच बनेगा सर अपने काम को निभाएगा कोच के लिए क्या हुआ उसके साथ प्रमोशन लेगा सर अपने काम को निभाएगा मैनेजर अपग्रेडेशन होगा. अभी इसके पास स्टैंड करने का स्किल्स आ गया राइट. सेम थिंग हमारे बिजनेस में उसके अंदर क्या आ जाएगा. अभी फॉर एग्जांपल पहला बाइक दिया इसको मैंने सुनो पहला बाइक दिया अभी इधर से गुजरात जाने के लिए बोला तो पहले टाइम में इसको कितना 8 घंटा लगा राइट. बट जब ये स्टेज पे आया तो कितना देर में पहुंचेगा ये क्यों मार सकता है उसके पास क्या है पॉसिबल है खुद के नजर में गिर जाएगा बाद में सर हमसे तो नहीं ये तो झूठ है राइट. यू गेटिंग माय पॉइंट यस सर. सो ये बिजनेस में जितने लोग यहाँ पे खड़े सबको हंसना आता है yes, बात करना आता है yes, yes, इसका मतलब सबके पास पोटेंशियल है बट फिर भी वो फेल होता क्यों है क्योंकि उसको सीधा स्टंट मारना है. सूरज सर ने कैसा कि ना 40,000 लाया मैं भी लाऊंगा पॉसिबल है नहीं बट उसके लिए भाई ये सब दिया ना यस सर प्रोसेस में था इसके लिए उतना आया
बट तू प्रोसेस में नहीं है डायरेक्टली, मुझे हलवा चाहिए, मिलेगा क्या? खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसके लिए गाजर चाहिए, खरीद सकते हैं, पर कौन सा हलवा बेच के खाते हैं? Excited! Yes, sir! अगर आप सबके पास पोटेंशियल है, बट आपको अगर फेल नहीं होना है तो आपको प्रोसेस में रहना पड़ेगा। प्रोसेस से बाहर जाओगे तो डेफिनेटली फेल हो जाओगे। What more point? Yes, sir!